हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई एचबीएसई सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको ढंग से पढ़ना है थोड़ा सा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी कर देना है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर जाने नहीं देना है। तो इसको अच्छे से करेंगे हम विद डायग्राम। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम भी बनाएंगे इसका। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है? देखो, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया अभी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कोई भी माइक्रोस्कोप हो, उसका काम क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको बड़ा करके दिखाना। तो ये जो है कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर दो लेंसेज लगेंगे। तो ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोप से काफ़ी पावरफुल होता है। मतलब ये जो है, ये इट कैन इनलार्ज ऑब्जेक्ट अप टू 1000 टाइम्स, 1000 गुना जो है बड़ा करके दिखा सकता है, या उससे भी बड़ा करके दिखाता है। आजकल तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो मतलब थोड़ा ही बड़ा करके दिखाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं करता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब उसको क्या करेगा, और भी ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। तो इसका हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जरा, क्या क्या चीज़ें यूज होती है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। एक एक पॉइंट जो है तुम्हें ढंग से लिखना है इसको अपनी कॉपी में, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है एक साथ ही आता है, तो आपको पूरा इसको क्लियर करना है। कंस्ट्रक्शन में देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, इट कंसिस्ट ऑफ टू बाई कन्वेक्स लेंसेज, या मैं सिंपल कन्वेक्स लेंस भी बोल सकता हूँ इसको, बाई कन्वेक्स लेंसेज। फर्स्ट है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड सेकंड है इसके अंदर आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक हो वो ऑब्जेक्टिव, आईपीस मतलब जो आई के अपनी आँख के नज़दीक लगा हो वो आईपीस लेंस है। तो इट हैज शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। देखो दोनों ही लेंस कैसे हैं, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। स्मॉल अपर्चर कन्वेक्स लेंस में लिख देता हूँ, या फिर कन्वेक्स लेंस तो मैंने लिख ही दिया है उसके ऊपर। तो इसको आप ऐसे लिखो, इट हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो छोटी सी है, और प्लस में इसका अपर्चर भी स्मॉल है। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यही हुआ था, स्मॉल फोकल लेंथ थी और स्मॉल ही अपर्चर था उस लेंस का, ठीक है। इट प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट, इट प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट। देखो टू द पॉइंट लिखना है हमें, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इट प्लेस नियर द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अब आईपीस। आईपीस की जो फोकल लेंथ है, इट हैज फोकल लेंथ एंड अपर्चर ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको आपको याद नहीं करना, इसको समझना है बस, आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, जो भी याद रहे तुम्हें वो ही, ज़रूरी नहीं है बुक वाली लैंग्वेज ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। आई पीस है तो कहाँ पे नज़दीक होगा, ये आई के नज़दीक होगा, आँख के नज़दीक होगा। इट प्लेस्ड नियर द आई। ठीक है, तो ये हमारे दो लेंसेज हैं। अब ये दोनों लेंसेज जो हैं एक ट्यूब के अंदर रखे जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू मूवेबल ट्यूब्स हैं। देखो इस इमेज के अंदर, देखो आप इसके अंदर एक वाइट एंड एक ब्लैक जो है दो ट्यूब हैं, तो एक में आईपीस लगा हुआ है, एक में अपना ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, तो वो मूवेबल है अकॉर्डिंग टू द साइज। हम जितना साइज देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं क्या क्या है।
ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस जो है ऊपर है, ऑब्जेक्टिव नीचे है, नीचे ऑब्जेक्ट के नज़दीक जो है ऑब्जेक्टिव है और आईपीस जो है ऊपर है। लेट्स से मैं लेंथ इसकी मान लेता हूँ कुछ भी एल, जो कि मैं बाद में यूज करूँगा लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारा था कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, वर्किंग करते हैं। वर्किंग में सेम वही दो चीज़ें यूज करेंगे, कौन कौन सी, एक तो पहली है कि लिस्ट डिस्टेंस पे इमेज बने फाइनल, और एक जो है कि इमेज बने इनफाइनाइट के ऊपर, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। सिमिलरली दो केसेस इसके अंदर भी करेंगे। ठीक है, तो पहला केस मैं लेता हूँ कि when फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन। लिस्ट डिस्टेंस कितनी होती है भाई? 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टेंस होती है भाई। कम से कम हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। ठीक है, उससे कम हमें दिखेगा नहीं, ब्लर हो जाएगा सब चीज़ें, नॉर्मल आई की बातें हो रही है। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने ये ले लिया है कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन। देखो हमें दो लेंस बनाने हैं, तो पहला लेंस बनाओ ऑब्जेक्टिव लेंस, शॉर्ट फोकल लेंथ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। नहीं ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो डायग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, थोड़े से डायग्राम सही से बनाने हैं तुम्हें, स्केल वगैरह लेके जाना है पेपर के अंदर। देखो ये मैंने एक लेंस बना दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक फोकल लेंथ, देखो इसकी छोटी सी फोकल लेंथ ले लेता हूँ मैं, कुछ भी इतनी सी ले लेता हूँ, ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की। इधर भी इतनी ही ले लो, ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, इस फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर जो है ऑब्जेक्ट रख दो आप। छोटा सा ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, दूर नहीं मतलब बिल्कुल इसके पास में ही कह सकते हैं हम, थोड़ा सा इससे दूर इस साइड में, थोड़ा सा बिल्कुल ही। तो एक जो एक्सिस, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो किधर से जाएगी? फोकस में से जाएगी, है ना, फोकस में से चलेगी। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो जाएगी सीधी की सीधी। ये दोनों जहाँ भी टच करेंगे वहीं पे बनेगी इसकी इमेज, फर्स्ट लेंस की इमेज बनेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बनेगी। लेट से मैंने यहाँ पे बना दी, इसको मैंने दे दिया नाम ए बी, और इसको मैं दे रहा हूँ ए प्राइम, सॉरी इधर इधर लिखो ए प्राइम, इधर लिखो बी प्राइम। ठीक है, अब देखो इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब सेकेंड जो लेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा? आई पीस लगेगा। तो आईपीस के अंदर क्या करना है? अब एक आईपीस लेंस बनाओ यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अपर्चर उसका क्या है, लार्ज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये दोनों यहाँ से रिफ्रैक्ट होके, ये लेट से हमारी आँख है तो यहाँ पे चली गई। ठीक है, वैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो क्या करूँगा, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाऊँगा, इससे पहले इसकी फोकल लेंथ बनाऊँ। आप फोकल लेंथ के अंदर जो है मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट ये है, तो इसकी मैं फोकल लेंथ में लिख देता हूँ आई पीस की एफ ई। तो इस डायग्राम को ढंग से बनाना है और समझना भी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। इतनी ही फोकल लेंथ का इधर बनाओ, ये बना दिया मैंने। ठीक है, और ये जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई है तो फोकस के अंदर से जाएगा। ठीक है, और एक जो प्रिंसिपल सॉरी ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा रे जाएगी वो क्या जाएगी, पैरेलल सॉरी सीधी की सीधी जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, तो इधर आके ये दोनों टच करेंगे। थोड़ा सा आप स्केल से बनाओगे ना तो बढ़िया बनेगा, ये कहीं भी बन सकता है, ये यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, कहीं भी बना सकता है, जहाँ पे भी आपका डायग्राम से बन रहा है वो। ठीक है, ये थोड़ी सी रे यहाँ पे पैरेलल से दिख रही है लेकिन पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, तो इसको सही कर लेना आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या करना है। अब हमें करना है कि वही वो मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, इसको डबल प्राइम लिख दो, इसको भी डबल प्राइम लिख दो। फाइनल इमेज जो बन गई वो कहाँ बन गई? एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन। तो इसको मैं नाम दूंगा यहाँ से यहाँ तक, लेट से आई पीस के पास ही आँख लगाई है हमारी,
तो इसको मैं नाप दूंगा माइनस ऑफ डी। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये जो इमेज बनी थी फर्स्ट लेंस की वजह से वो सेकंड लेंस की क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, देखो ये आई पीस है अपना, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ माइनस ऑफ यू ई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो माइनस ऑफ यू नोट, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वी नोट, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बन रही है, ठीक है। इनको नाम दो, अब ओ वन दे दो इसको, इसको नाम दे दो ओ टू, ठीक है, इस ऑप्टिकल सेंटर को। तो यहाँ तक ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। तो डायग्राम को एक बार फिर से देख लो कि हमें पहले बार तो ये है कि ऑब्जेक्ट को रखना है हमें फोकस के पास में ही, ठीक है। तो उसकी इमेज बन गई यहाँ पे। अब ये जो इमेज बनी है वो सेकंड लेंस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और उस ऑब्जेक्ट की जो है वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लाई कर रहा है इन बिटवीन फोकस, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे, बनेगी फाइनल इमेज जो कि एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन के ऊपर है फ्रॉम द आई। यहाँ तक क्लियर होगी बात, तो अब आगे चलते हैं। देखो इसमें निकालेंगे क्या, अब सेम वही मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर, या मैं कहूँ एंगुलर मैग्नीफिकेशन, सेम वही चीज़ें निकालनी है जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाली थी, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। वो क्या होगी भाई, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, सेम वही। तो एंगल्स इमेज जो है, लेट से मैंने एंगल बना दिया ये बीटा एंगल जो है फाइनल इमेज बना रही है विद रेस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर। आल्सो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इनिशियल ऑब्जेक्ट था वो, लेट से आँख के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है भाई, अल्फा। और ये कहाँ पे होना चाहिए, ये भी लीस्ट डिस्टेंस एप ऑफ डिस्टिंग विजन पे होना चाहिए, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा कहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने माइनस डी लगा दिया, क्योंकि हमने जो रे आ रही है हमारी उसके अपोजिट साइड में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो माइनस साइन लगेंगे सब। ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करने हैं हमेशा ही, ठीक है। बुकों में कहीं पर साइन कन्वेंशन यूज कर रखे हैं, कहीं पर नहीं कर रखे हैं, तो आपको हर एक चीज़ में साइन कन्वेंशन यूज करने हैं, फाइनल आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करो, बीटा बाई अल्फा विच इज़ नियरली इक्वल्स टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा, ठीक है। अब टेन बीटा कितना होगा, देखो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए प्राइम पी प्राइम ओ टू, ए प्राइम बी प्राइम ओ टू कितना होगा भाई, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई ओ टू ए प्राइम परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। ये तो हो गया टेन बीटा। टेन अल्फा क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ डी, ए बी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ डी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया मैग्नीफाइंग पावर का। देखो ए प्राइम बी प्राइम क्या है, इमेज की साइज है, तो इसको मैं मान लेता हूँ एच, तो ये हो गया हमारा एच प्राइम। ए बी मैं मान लेता हूँ कुछ भी एच है, और ए प्राइम बी प्राइम जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ एच प्राइम, क्योंकि नीचे की साइड में है तो साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें पुट करो, ऑल्सो ओ टू ए प्राइम क्या है, ओ टू ए प्राइम क्या है, माइनस ऑफ यू ई, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। तो इसमें पुट करो ए प्राइम बी प्राइम कितना है भाई, माइनस ऑफ एच प्राइम डिवाइडेड बाय ओ टू ए प्राइम कितना है भाई, माइनस ऑफ यू ई, ठीक है। आल्सो ए बी कितना है भाई, एच है, और डी मैंने उस पर पुट कर दिया माइनस, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस ऑफ एच प्राइम बाई एच एंड डी बाई यू ई। देखो एच प्राइम बाई एच क्या बन गया यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, माइनस साइन मैंने लगा दिया। और डी बाई यू ई बन गया आई पीस की लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा कि आई पीस की क्या बन गई है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो है मैग्नीफिकेशन निकाली थी डी बाई यू ई, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया था एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो हमारी निकल के आई थी वो है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी बाई यू ई को जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने निकाला था, वो क्या निकाला था भाई, डी बाई यू ई को, डी बाई यू को क्या निकाला था, वन प्लस में डी बाई एफ ई,
तो ये आप दोबारा से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो फोर आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, माइनस ऑफ डी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, माइनस ऑफ यू ई है, एंड फोकल लेंथ क्या है, एफ ई है। तो ये सब लेंस फॉर्मूला में पुट करोगे तो डी बाई यू ई निकल के आएगा, वन प्लस में डी बाई एफ ई। तो हमारे पास जो है ये एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गई, क्या आ गई, देखो मैं लिख देता हूँ अब इसको। और आल्सो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है लेंस के लिए, वो क्या होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है भाई, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो यू नोट जो है इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये माइनस साइन में आता है, तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है वैसे तो, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो नेगेटिव बाद में पुट करते हैं। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब जो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, देखो पहले की क्या है इन्वर्टेड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसकी वैल्यू जो है फिलहाल पॉजिटिव आ रही है। इसकी वैल्यू जो पुट करोगे साइन कन्वेंशन लगा के तो माइनस साइन के साथ ही पुट करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है एम ई, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, डी वाई यू ई है, और इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा वन प्लस डी वाई एफ ई। तो मेरे पास जो है फाइनल एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ गई, इसमें पुट कर देना, माइनस ऑफ एम नोट इंटू में एम ई था, इसमें पुट करो जरा क्या आएगा, तो माइनस ऑफ वी नोट बाई यू नोट एंड एम ई की जगह पुट करो वन प्लस में डी वाई एफ ई। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन अब मैं लगाता हूँ, क्या अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट रखा था इनिशियल ऑब्जेक्ट वो मैंने मान लिया कि नियर द फोकस लगा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर द फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर द फोकस, नियर द फोकस, इसका मतलब जो यू नोट की वैल्यू जो होगी वो एफ नोट के बराबर होगी, ठीक है, एक बात तो ये करनी है। सेकंड थिंग जो है हम मान रहे हैं कि भैया ट्यूब की लेंथ है तो इनिशियल ट्यूब में यहाँ पे प्लेस है, ट्यूब का जो पहला हिस्सा है और ट्यूब का लास्ट हिस्सा यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, तो मैं कहूँगा कि इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस इज एट डिस्टेंस एल, या फिर मैं कहूँ डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, या मैं कहूँ लेंथ ऑफ द ट्यूब एल, ठीक है। तो मैं वी नोट की जगह पुट कर दूंगा यहाँ पे एल, ठीक है। तो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वी नोट की जगह एल पुट कर दो और यू नोट की जगह एफ नोट पुट कर दो, तो एल बाई एफ नोट वन प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया फाइनल एक्सप्रेशन अपना, क्योंकि हमें जो है इन दोनों की बस फोकल लेंथ ही पता है, तो फोकल लेंथ को ध्यान में रखते हुए ये एक्सप्रेशन निकाला गया है अपना, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें पता होती है कितनी है, लीस्ट डिस्टेंस हमें पता है 25 सेंटीमीटर है, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो कि डिसाइड करते हैं हम खुद कितना मैग्नीफाइंग पावर लेके आनी हमें, और एफ नोट जो है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि जो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर जो है क्या आ रही है, नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है काफ़ी टाइम्स ज़्यादा होगी, काफ़ी बड़ी दिखाई देगी एज कम्पेयर टू इनिशियल ऑब्जेक्ट। देखो कितना बड़ा दिख रहा है ना डायग्राम में, और ज़्यादा बड़े करोगे तो और भी ज़्यादा बड़ा बन सकता है डायग्राम, कितना भी बड़ा बना लो आप इसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट अब करना है हमें, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, उसके ऊपर भी फिर हमें निकालनी है, सेम प्रोसीजर करना है, मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालनी है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था हमने, तो सेम इसमें भी वही फॉलो करना है। तो इस डायग्राम में बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या चेंज करूँगा कि ये ऑब्जेक्ट जो मैं रखूँगा वो मैं रखूँगा फिर फोकस के ऊपर,
तो जो ये इमेज होगी ये एक्चुअली में पैरेलल लाइंस के साथ कभी बनेगी नहीं, इनफाइनाइट के ऊपर बनेगी है। तो ये थोड़ा सा पैरेलल लाइंस से बन जाएंगी, इसको आप डायग्राम थोड़ा सा सही बना लेना, इसको फोकल लेंथ जो है थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा। फिर इतनी डिस्टेंस का फोकल लेंथ बना देता हूँ मैं। तो ये इनफाइनाइट के ऊपर बनेगी इमेज, ठीक है, बस ये फर्क है। ऑब्जेक्ट तो हमारा लीस्ट डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है, लेकिन जो फाइनल इमेज है वो बनेगी बस इनफाइनाइट पे। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, सेकंड हमारा टॉपिक है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। इनमें से कोई एक आ सकता है या हो सकता है दोनों भी आ जाएं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कंस्ट्रक्ट ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है तो वही आने के चांसेस रहते हैं। या फिर क्वेश्चन ये एक दो नंबर में भी आ सकता है, ड्रा द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो ये रे डायग्राम बनाना है हमें, रेज के ये एरो जरूर लगा देनी है हमें, ठीक है। तो इसको भी शुरुआत करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर इसकी हमें निकालनी है, तो वही बीटा बाई अल्फ़ा करेंगे और जो कि टेन बीटा बाई टेन अल्फ़ा बन जाएगा क्योंकि स्मॉल एंगल है हमारे पास। टेन बीटा वही करेंगे ए प्राइम बाई बी प्राइम, ए प्राइम बाई बी प्राइम डिवाइडेड बाई ये बेस ओ टू ए प्राइम, ओ टू ए प्राइम। एंड टेन अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे, सेम वही ए बी बाई माइनस ऑफ डी, तो माइनस डी ऊपर ए बी नीचे, ठीक है। तो ए प्राइम बी प्राइम क्या है, वही है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बन रही है उसकी हाइट मैंने ले ली एच प्राइम, ठीक है। माइनस साइन के साथ लेना है क्योंकि नीचे बन रही है तो माइनस। ओ टू ए प्राइम जो है इस बार जो है चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा भाई, फोकल लेंथ के ऊपर बन रही है तो माइनस ऑफ एफ ई लेना है, इस साइड में है तो माइनस साइन के साथ लेना है, एफ ई माइनस साइन के साथ तो माइनस ऑफ एफ ई। यहाँ पे और पुट करो माइनस डी, ए बी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी ले रखी है मैंने भाई, एच ले रखी है, तो एच पुट करो यहाँ पे। तो मैग्नीफाइंग पावर मेरे पास आ गई माइनस ऑफ एच प्राइम बाई एच एंड डी बाई एफ ई। देखो सेम वही आ गया माइनस ऑफ एम नोट माइनस मल्टीप्लाई बाई एम ई। तो एम नोट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव की लीनियर मैग्नीफिकेशन है, सेम वैसे ही जैसे अभी लास्ट केस में किया था। तो एम नोट को फिर से वही पुट करना है, एच प्राइम बाई एच इज इक्वल्स टू वी नोट बाई यू नोट, ठीक है, सेम प्रोसीजर वही करना है। आई पीस की फोकल लेंथ जो है आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो तो फोकल लेंथ के टर्म्स के अंदर ही आ रही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें फोकल लेंथ ही हमें पता होती है आई पीस की, या फिर मैं कहूँ ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो फोकल लेंथ के अंदर ऑलरेडी है ये, तो इसको चेंज नहीं करना है। तो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर मेरे पास ये आ गई माइनस ऑफ वी नोट बाई यू नोट एंड वन प्लस में डी बाई एफ ई। देखे उसमें वन प्लस में था, इसमें वन प्लस नहीं आएगा, इसमें सिंपल आएगा डी बाई एफ ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि वी नोट और यू नोट, यू नोट इसमें नेगेटिव आती है, तो फाइनल जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे बन रही है तो किसी भी साइड में बन सकती है। पॉजिटिव आएगी तो मतलब उधर बनेगी, नेगेटिव आएगी तो नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो एक चीज़ और है इसमें, सेम वही अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे। अब क्या यूज करूँगा कि मैं फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज एट लास्ट पॉइंट ऑफ ट्यूब दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एल, जो कि हम ट्यूब की लेंथ मान रहे हैं, ट्यूब लेंथ है ये एल, ट्यूब लेंथ, ठीक है। और इनिशियली जो हम मानेंगे भाई ये जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो कहाँ पे है, फोकस के ऊपर। तो हमारा ये मैग्नीफाइंग पावर जो आ गई वो कितनी आ गई, माइनस वी नोट बाई यू नोट की जगह मैं पुट करूँगा माइनस ऑफ एल बाई एफ नोट एंड डी बाई एफ ई। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। क्योंकि दोनों केसेस मैंने कर दिए हैं, आई होप सभी को समझ में आए होंगे, तो सभी को ये शेयर करना है वीडियो और सभी को पांच नंबर दिलाने हैं। मेरा मोटिव ये है कि अच्छे नंबर आए सभी के, और ये पांच नंबर किसी भी हालत में जाने नहीं चाहिए।
देखो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब टेलीस्कोप, वो भी वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो तीनों जो टॉपिक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्लस में टेलीस्कोप, तीनों में से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है, 5 नंबर के अंदर। तो इसको पक्के से करना है, रे डायग्राम समझना है, प्लस में साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।